मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन एक बार फिर से मुसीबत में आ चुके हैं। झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान 300 से भी अधिक कंपनियों के जरिए दोनों भाइयों के निवेश के मामले में 2 सप्ताह में रिपोर्ट कर ईडी को भी जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके विधायक भाई बसंत सोरेन एक बार फिर मुश्किल में पड़ गए हैं। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने इनसे संबंधित लोगों की ओर से 300 से अधिक कंपनियां बनाकर अवैध कमाई निवेश करने के मामले में सुनवाई करते हुए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को प्रतिवादी बनाया गया है। अदालत ने वादी की ओर से कोर्ट में पेश किए गए कंपनियों की जाँच की रिपोर्ट 2 सप्ताह में पेश करने को कहा है। अदालत में ईडी को भी इसकी जानकारी देने के लिए निर्देश दिया गया है। याचिका में कहा गया था कि सरकार के नज़दीकी अमित अग्रवाल और रवि केजरीवाल के सगे संबंधी इस तरह की कंपनियां चलाते हैं। इनमें झारखंड से कमाई गई राशि को निवेश कर होटल और मॉल सहित अन्य एसेट खरीदा गया है। याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा की ओर से 28 ऐसी कंपनियों का नाम झारखंड हाईकोर्ट को दिया गया है जो मुखौटा कंपनियां हैं और जिनमें पैसा निवेश किया गया है। इसी पर अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को प्रतिवादी बनाते हुए इन कंपनियों का जांच करने का निर्देश दिया है। ईडी को भी इसकी जानकारी देने का निर्देश उन्होंने स्पष्ट रूप से दिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन मुश्किल में पड़ सकते हैं। आने वाले दिन उनके बेहद ही मुश्किलें पैदा कर सकती है। झारखंड हाईकोर्ट के इस मामले में जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रिश्तेदारों के नाम पर दर्जनों कंपनियों का निर्माण कर बड़े पैमाने पर निवेश करने का आरोप लगाया गया है, उसके बाद से ये संभावना बढ़ गई है कि झारखंड में सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं 200 कंपनियों से अधिक की सूची देते हुए जो प्रार्थी शिवशंकर शर्मा ने कहा है कि झारखंड का पैसा लूटा जा रहा है और इन्हीं कंपनियों के माध्यम से निवेश किया जा रहा है और अवैध कमाई करने का भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन पर लगाया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि भ्रष्टाचार का मामला भी ऐसे मामलों में उभर कर सामने आएगा। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धरती गगन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। पर्वत चमन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। बच्चा बच्चा बोल रहा है जय माता दी, जय माता दी। उस्ताद आपत में पड़ी है जान। उस्ताद उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह, मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।